नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। झरियाबाटा मोड़ गणेश चौक के समीप स्वर्गीय कन्हैया लाल को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। झरिया के समाजसेवी एवं युवा साथियों ने पुष्प अर्पित एवं कैंडल जलाकर नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पूर्व पार्षद अनूप कुमार साव ने कहा कि कन्हैया लाल के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। हत्यारा मोहम्मद गौस के साथ अन्य लोग भी शामिल हैं, उसे भी जांच कर बेनकाब करें और मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि इनके मामले को स्पीडी ट्रायल करा आरोप पत्र समर्पित करें और माननीय न्यायालय से मांग करते हैं कि हत्यारों को बीच चौराहे में फांसी दिया जाए ताकि ऐसी मानसिकता रखने वाले एक बार अपराध करने से पहले अवश्य सोचेंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश में नफरत उत्पन्न करने में नुपुर शर्मा को कसूरवार माना है। देश में शांति बहाल करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नुपुर शर्मा को करना चाहिए। जीबीएन 24 न्यूज के लिए झरिया से सचिन सिंह की रिपोर्ट। कन्हैया लाल जी का जो निर्मम हत्या हुई है उसके विरोध में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखे हैं जिसमें हमारे झरिया के सारे नागरिक आकर के पुष्प अर्पण कर करके श्रद्धांजलि दे करके मोमबत्ती जला करके और उस कन्हैया लाल जी को दिए हैं और वहाँ के सरकार प्रशासन सबसे को यह चेतावनी दी जाती है कि अगर इस पर कन्हैया लाल जी के हत्यारे को सही सजा नहीं मिला तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।